भिक्षुकों और निराश्रितों के पुनर्वास को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर के समाज सेवी संगठन और एनजीओ को पुनर्वास संबंधी कार्य योजना समझाते हुए उनकी तरफ से किए जाने वाले सहयोग की जानकारी भी ली। देखिए एक खास रिपोर्ट। शहर में लगातार सामने आ रही निराश्रितों की मार्मिक तस्वीरों के बाद अब जिला प्रशासन और नगर निगम संयुक्त रूप से एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें शहर के निराश्रितों और भिक्षुकों को सड़क से उठाकर व्यवस्थित तरीके से आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाएगा, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल समेत तमाम अधिकारियों के साथ साथ समाज सेवी संगठनों और एनजीओ के सदस्यों ने हिस्सा लिया। चल रहा है उसका अरविंदो में, और उसके बाद ये हुआ कि अपन खुद ही सर्च कर रहे हैं पूरे शहर के जितने ऐसे हमारे बेसहारा भिक्षु वर्ग के लोग हैं, और उनको अपन कहीं एक जगह लेके जाए, वहाँ उनका 5-7 दिन रह करके उनकी केयर करें उनकी, और उनको नहलाएं धुलाएं, उनको भोजन कराएं, उनका भंडारी हॉस्पिटल को आया है क्या अरविंदो से? हाँ, अरविंदो हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर भंडारी ने हेल्प करने का उसमें बोला है, वो आगे आए हैं इसमें, उनके डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करें, दवाई ववाई दें उनको, फिर उसका डिसाइड करें उनको कि भिक्षु केंद्र भेजना है कि किसी को लगता है डॉक्टर से सलाह पे कि अस्पताल एडमिट करना है उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो अस्पताल एडमिट करें उनको, या उनको अगर कोई ऐसे सक्षम व्यक्ति हैं जो रोजगार में सकते हैं रोजगार में लगाएं उनको, और दोबारा वो ना जाए वहाँ पर, उसके लिए भी इशू करना पड़ेगा जो पुनर्वास कार्यक्रम होता है, दोबारा ना जाए, भले कोई अगर वृद्धाश्रम में जगह कम है हमारे जीडी के सामाजिक न्याय में, तो हम नया एक कोई भिक्षु केंद्र खोल देंगे किराए पे लेकर के नगर निगम की मदद से, तो वो भी निर्णय लेना पड़ेगा अपने को। तो ये सोच ये है पूरी व्यवस्था की, जिस तरह से अपन बैठे हैं कि भिक्षुकों के को लेने के लिए, संभाल के लाने के लिए एक हमको एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने सामाजिक संगठनों और एनजीओ को भिक्षुक पुनर्वास कार्यक्रम की पूरी कार्य योजना समझाते हुए उनसे भी इस काम के लिए किए जाने वाले सहयोग की जानकारी ली। एक आज पूरी बैठक ली थी, इसमें हम लोगों ने प्लानिंग की है कि कोई एक स्थान नगर निगम ले ले जहाँ पर कि भिक्षुकों के रुकने का स्थान रहे, और एनजीओस को बुलाया था जो लोग वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, तो कई एनजीओ सहमत हुए हैं कि उनको भिक्षुकों के आइडेंटिफाई करके उनको उस केंद्र में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ एनजीओस तैयार हुए हैं कि वहाँ जो पुरुष और वृद्ध जो महिलाएं जाएंगी भिक्षुक कैटेगरी की उनकी केयर करने के लिए, और फिर उनको फर्दर अरविंदो अस्पताल उनका मेडिकल चिकित्सक करेगा, 7 दिन रखेंगे उनको वहाँ पर, उनको नहलाएंगे धुलाएंगे, नए कपड़े पहनाएंगे, खाना खिलाएंगे, दवाई वाई जो देनी है वो देंगे उनको, अगर कोई नशे में आदि है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे कपड़े और सब करके, क्योंकि उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़ेगा, रह नहीं पाएगा वहाँ पर। इसी दौरान अगर इस प्रकार का कोई नेटवर्क आता है जो बच्चों के चौराहों पे जो शिकायत आ रही है कि बच्चे आते हैं और वहाँ कई सामान छीन के भी गाड़ियों से भागे हैं, इस तरह की शिकायतें भी आई हैं, उस तरह का नेटवर्क पकड़ में आता है तो वो भी एनजीओ को बोला है कि इस तरह का नेटवर्क पकड़े ताकि उस तरह पर दूसरी तरह की कार्रवाई होगी, फिर उनको संवेदनशीलता से न करके कठोरता से उनमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस सब के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, चलेगी, लंबी है, इस लगभग साल भर तक इसको निरंतर चला के रखना पड़ेगा, तभी जाकर की चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहेगी अभी काफ़ी समय, कई महीनों तक। तो उसकी आज एक प्रारंभिक थी कि किस प्रकार से भिक्षु मुक्त शहर का मामला जो है किस प्रकार से उसको करना है, और नगर निगम इसमें कार्य शुरू करने वाला है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि भिक्षुकों और निराश्रितों के पुनर्वास को लेकर शुरू की जा रही जिला प्रशासन और नगर निगम की ये पहल कितनी कारगर साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।